अच्छा, कौन से ऐसे वर्ब्स थे जब हमने फेरे लिए थे कि जिसमें कि अब देखो इनको ये भी नहीं याद है, नहीं ऐसा कोई ऐसा कोई भी नहीं था, देखो याद नहीं है। ये बन गया हमारा पटियाला स्टाइल चिकन। अगर आपको थोड़ी सी ऊपर से और क्रीम रखनी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं द शेफ फॉर टुडे मोहित।
दो चम्मच नमक, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में नमक ज्यादा है। I'm doing the background, कैप्शंस दे रही हूँ, मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही एक तरीके से सामने स्क्रीन पे। हाफ वन एंड हाफ टीस्पून रेड चिली, फिर टर्मेरिक पाउडर एक चम्मच, बस बस फिर है हमारा चिकन मसाला। इसमें भी हम इसको ले सकते हैं एक चम्मच मीट मसाला जो आता है आपका इंडिया में, हमारे या आप लोग जहाँ पे देख रहे हो आपके पास जो भी चिकन या मीट मसाला हो मार्केट में वो डाल दो, वरना देसी घर के मसाले डालो, गरम मसाला डालो, वही होता है मीट मसाला बेसिकली। ऐसा कुछ उसमें चिकन का कुछ ऐसा नहीं होता। ये क्या क्या डाल रहे हो? ये नहीं डालना, सॉरी। हम लोग ना वो खड़े मसाले में जो दालचीनी होती है तो उसका हमने पाउडर ग्राइंड किया हुआ है एक्चुअली, तो खड़े मसाले क्योंकि मुंह पे आते हैं, और पाउडर से क्या है कि हम अपने कभी दूध बनाते हैं रात में पीना होता है तो उसमें हल्का सिनेमन का, फिर गर्म पानी जो हम पीते हैं उसमें सिनेमन का, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी हेल्दी, सो यू गाइस कैन ट्राई। और वो ना खड़े मसाले में मोहित को स्पेशली भी पसंद है कि दालचीनी मुँह में जब पुलाव वुलाओ या कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाना है। ठीक है, अब हमारा तो जल चुके हैं सारे मसाले, तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, बोल तो रही हो। ये टमाटर डाल दिए, अच्छा हमारा मसाला ऑलमोस्ट बन गया है, तो इसमें से आप सिर्फ 1/3 रखोगे और पूरा 2/3 आप निकाल के साइड में रख लोगे मसाला। Stop it. Get some help. कोई चीटिंग हो रही है? क्या चीटिंग हो रही है? मुझे कर्ची थमा करके वीडियो चलाने की, मैं थक गया था, वो हो ही नहीं रहा था। मुझसे कह रहे हैं यार ये पक क्यों नहीं रहा, मैं बहुत देर से थक गया इसको पका पका करके, एज वेल से मैं तो अपनी बातों से पकाती हूँ ना खाना। मेरे को नहीं, वो तो देखो वो टिकटॉक पे देखा था ना हमने, मेरे को पहले ही दे देना चाहिए था दादा। मेरी टेर ले रही है, क्या बोलते हैं इसको, टेर ले रही हूँ ना, तो पंडित जी से हमने इसी चीज की तो वो कसमें खाई थी। अच्छा कौन से ऐसे वर्ब्स थे जब हमने फेरे लिए थे कि जिसमें कि, अब देखो इनको ये भी नहीं याद है, नहीं ऐसा कोई ऐसा कोई भी नहीं था, देखो याद नहीं है। हमारा मसाला तो बन गया, अब इसका हम आधे से ज़्यादा मसाला निकाल देंगे साइड पे। वेलकम टू दैट साइड। बिल्कुल हल्का सा, ये बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा बेसिकली मसाला हमने निकालना है, राइट? तो हम चिकन डाल देंगे पूरा, ये भी पूछो ना, मैं वेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है, ये फर्स्ट रूल होता है किचन का, एक कुशल ग्रेनिंग का यही काम होता है। कुशल ग्रेनिंग, ये लो कुशल ग्रेनिंग। So there is someone who is taking the handover of our kitchen. चिकन पकने के लिए काम लगता है कि हम थोड़ा उसको लो फ्लेम पे रखें। So this is my kitchen, जो कि थोड़ा सा messed up है because of course. तो अब दूसरा पैन हमने लिया जिसमें हम अगेन देसी घी बटर अच्छे से डालेंगे, एक चम्मच करीब डाला ना, 1 tablespoon ना, और हमें इसे थोड़ा सा मेल्ट करना है, एंड देन हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये है तेज पत्ता, बेलीफ, अनीस, और एक लाल मिर्च जिसको तोड़ के डाल, ठीक है, थोड़ा सा जीरा, और इसको थोड़ा क्रैक होने देंगे, जले ना जीरा, मैं तभी पहले कर देना, बस 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 जल जाएगा वरना मम्मी जो आप अपना डाल डालना है उसमें हो गया ना ये। फिर मैं फिर से डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट,
एक चम्मच, वन टेबल स्पून, नहीं टीस्पून, टीस्पून से ज़्यादा ही हुआ, मैंने भर के लिया ना। हाँ इस वाली स्पून को, टीस्पून है ये हमारी, और इसको बहुत अच्छे से भर के लिया। मुझे वेस्टेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। है ना जी? हाँ जी। इसमें मैं वाइट पेपर डालता हूँ एक चम्मच। So, yes, यहाँ से अब मेथी कट के जा चुकी है इसमें। तो मैं मेथी डाल दी है। मेथी। तो I believe अगर मेथी नहीं है तो you can use utilize कसूरी मेथी, जो हमारी सूखी हुई मेथी आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये हम कैशू नट वाला क्रीम डाले जो सबसे पहले दिखाया था ना। Oh, I'm super excited. मुझे इतनी yummy सी लग रही है ना। Even I should not tell this इस पे, but मैंने actually अपनी उंगली से ना इसको चाटी चाटी भी कर ली थी। मुझे बहुत ही yum लग रहा था। क्या? ये cashew और cream वाला जो मिश्रण है, तो मेरे को cashew nut इतने पसंद है। Look at the color. It looks so good. बट इसको बस ध्यान रखना है कि आपको हिलाते रहना, नहीं तो ये ना सारा क्रीम नीचे चिपक जाएगा और वो फिर फ्लेवर बहुत गंदा जला जला सा आएगा क्रीम का। What do you think about the chicken? क्या हमें इसे मिलाना चाहिए अभी? हाँ हिलाते हैं इसे। तो हमारा ये वाला मसाला बन गया है, इसको अलग कर देते हैं। तब तक मोहित अपनी बातों से पकाएंगे हमें। अच्छा, सबको पता है कौन पकाता कौन बोलता। Are you talking about me? Are you talking about me? जरूरी होता है रोटी। मैडम जी करने लग गई हैं रोटी। Trying to make पतली एकदम रुमाली जैसी तो रोटियां। ये satisfaction होता है मेरा जब मेरी रोटी फूल जाती है, मुझे बहुत पसंद है। Enjoy this yummy, delicious chicken recipe at home.